वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। कल की वीडियो में मैंने बहुत खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बताया था जो कि छोटे बालों में मेरे बाल देख सकते हो। ये कटिंग मैंने कैसे की है इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, तो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लेना। बहुत प्यारा लगेगा छोटे बालों के साथ। आजकल सबकी हेयर फॉल हो रही है जिसकी वजह से बाल छोटे हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने छोटे बालों में भी स्टाइलिश का लुक क्रिएट कर सकते हो। अपने ये जो आईब्रो फील किया मैंने कल की वीडियो में बताया था मैंने कि प्रोफेशनल तरीके से आप आईब्रो कैसे फील कर सकते हो एंड अपने डार्क सर्कल को कलर करेक्टर के बिना भी कैसे हाइड कर सकते हो एंड कलर करेक्टर के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो मैं बताऊंगी काजल अप्लाई करते टाइम हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा काजल जो है आगे चल के फैल जाता है और अच्छी लुक नहीं आती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको काजल अपना अप्लाई कर लेना है। काजल को अपने वाटर लाइन के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। लो वाटर लाइन पे तो अप्लाई करना ही करना है, साथ ही साथ आपको अपर वाले वाटर लाइन पे भी अप्लाई करेंगे। इससे जो लुक होता है वो काफ़ी अच्छा आता है हमारा। इस तरीके से काजल अप्लाई कर लेना है। काजल तो हमने अप्लाई कर लिया, बट अब इस पर क्या करेंगे कि ये फैले नहीं एंड लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो काजल अप्लाई करने के बाद फिर काजल को हम लोग रख देंगे साइड में। देन इस तरीके का ब्रश आपको मेकअप ब्रश के अंदर मिल जाता है, ये बहुत टाइट सा होता है, यहाँ पे स्पंज जो है इसका। अब इसमें आपको लेना है अब ब्लैक कलर का आई शेडो, ब्लैक आई शेडो। देन इस तरीके से आईज़ को खींचना है और काजल जहाँ जहाँ अप्लाई किया है उसके जस्ट नीचे वाटर लाइन के नीचे नीचे इसको अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा आपका काजल जो है वो ड्राई हो जाएगा जिससे वो फैलेगा नहीं। इस तरीके से और थोड़ा सा अच्छा लुक भी आ जाता है आपके काजल का, जितना है इतने पे ही रहेगा, फैलेगा नहीं। अपर में थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए जिससे कि लाइनर का लुक मिल जाए आपके इसको आई शेडो से ही, और ये लाइनर भी आपका वाटरप्रूफ रहेगा एंड फैलेगा नहीं। सेकेंड आईज में भी सेम इसी तरीके से करना है, लो वाटर लाइन के नीचे नीचे ब्लैक आई शेडो लेना है एंड अप्लाई करना है। मैं काजल लगाती हूँ मेरा ऑटोमेटिकली मुंह ऐसा बन जाता है, आपका भी बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब तो वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है जिससे मैं अपना कंट्रोल कर लेती हूँ, नहीं तो एनी टाइम बना करते टाइम होता था मेरा आईब्रो बनाते आईब्रो फील और सॉरी काजल लगाते टाइम। कभी भी काजल अप्लाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा लाइनर का लुक देना है अपनी आईज को, इस तरीके से आई शेडो से दे रहे हो तो बेस्ट रहेगा। अब आपका भी अगर लाइनर इस तरीके से फैल जाए तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमने लाइनर तो लगाया नहीं है तो आपको सिंपली कॉटन का कपड़ा या फिर रूल ले लेना है और इस तरीके से नीचे से साफ कर देना है। अगेन विंग्स के लिए तो आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आप काजल लगाते हो तो इस तरीके से करोगे तो फैलेगा नहीं एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसके साथ आप मेकअप वगैरह भी ट्राई कर सकते हो, आई मेकअप भी बहुत अच्छे अच्छे बताए हुए मैंने अपने चैनल पे एंड आगे भी बताते रहूंगी। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं।